तो आज मैं आपको इस बाज़ार के बारे में सब कुछ बताऊंगा, ये कहाँ लगती है और उधर से क्या चीज़ महंगी मिलती है, क्या चीज़ सस्ती मिलती है और कहाँ से कौन सी चीज़ लेनी चाहिए और सब कुछ, मतलब मैं आपको इस बाज़ार के बारे में बताऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अभी जिस बाज़ार में मौजूद हूँ ये लगती है गुलशन हदीद फेज़ 2L7 मार्केट में नियर अलशम्स स्कूल। तो ये अभी मैं बाज़ार के एंट्रेंस वाली साइड हूँ, यहाँ सारा लौंडा का सामान मिलता है और अच्छे पैसों में अच्छी चीज़ मिल जाती है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं साथ साथ ये अलशम्स स्कूल वाली साइड है, इधर सारा लौंडा का सामान मिलता है। जो ये शर्ट्स हैं और ये ट्राउजर्स, ये 200 के हैं और ये शर्ट्स इधर अच्छी अच्छी पड़ी हुई थी, मैंने यहाँ जल्दी जल्दी देख ली तो इसकी स्पीड मैंने फास्ट कर लिए। तो ये शर्ट्स 200 के और बाकी ये कट पीस मिल रहे होते हैं सस्ते सस्ते में 50-100 रुपये के। तो मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो भी लंबी ना हो और आपको सब कुछ पता चल जाए। तो ये जैसे शॉर्ट्स थे ये भी सस्ते सस्ते मतलब 200 के, ये वही शर्ट्स हैं 200 वाली और ये वही कट पीस हैं, मतलब यही 50, 100, 200 के मतलब नॉर्मल। इधर मेरे को इंटरेस्ट नहीं था तो मैं इधर ना मैंने देखा और ना कुछ। ये बैग से ये डिफरेंट प्राइसेस में मतलब सस्ते मिल जाते हैं 200, 400 के अगर बार्गेनिंग कर सकें तो। ये मैंने पूछा है ये बोल रहा है कि 200 का, ये भी बैग अच्छा था पर मुझे नीड नहीं थी तो मैंने इसको छोड़ दिया, ऐसे इसके 200 बोल रहा था। तो अभी आगे दिखाते हैं, ये मैं देख रहा था तो मैं इससे ज़्यादा पूछने लग गया। खैर ये सारी वही साइड है, मतलब मैं आप सब कुछ दिखा रहा हूँ किस तरह के, मतलब ये लेडीज़ की शर्ट्स और ट्राउज़र हैं, इनकी मैंने प्राइसेस इतनी पूछी नहीं, मतलब ये भी नॉर्मल 400, 500 की अच्छी अच्छी शर्ट्स मिल जाती हैं। और तो अभी मेरा भाई बोलता है आ जाओ पेंट देखते हैं, तो अभी वो देखने चलते हैं। ये बैग्स थे ये भी मतलब 800, 1000 तक के मिल जाते हैं सही सही मतलब। तो ये पेंट्स हैं, पेंट शर्ट्स हैं सारी। इधर भी मतलब जीन्स की अच्छी अच्छी दिखा रहा था, बोल रहा था कि 400 की मतलब अच्छे से जीन्स मिल जाती है और अगर कॉटन जीन्स लेनी है तो वो भी आपको 400, 500 तक मिल जाएगी। तो हमने इधर से कुछ पेंटें देखी, हमें कोई सही नहीं लगी तो भाई ने बोला चलो आगे से देखते हैं। तो इधर से हमने कुछ पूछी और फिर हम आगे चले गए। अभी हम इधर से हमने इधर कुछ देखी थी मतलब पसंद नहीं है तो हम आगे चले गए। ये वही गर्ल्स की शर्ट हैं, ये भी मतलब 400, 500 की मिल जाती हैं तकरीबन। तो मैंने पूछा नहीं क्योंकि भाई मुझे लेनी नहीं थी इधर से, तो मैंने इधर से कुछ पूछा वूछा भी नहीं। ये बैग्स से मतलब ये 400, 500 के मिल जाते हैं अगर बार्गेनिंग कर सकें तो। और ये शर्ट्स हैं ये भी 200, 250 की मतलब अच्छी अच्छी कॉटन कपड़े में शर्ट्स थी। इधर भी हमने 2-3 देखी थी, हमें अच्छी लगी पर हमारी साइज़ नहीं थी, बट हमने फिर नहीं ली तो हमने छोड़ दी, पर इधर अच्छी अच्छी दिखी थी। अभी मैं दिखाता हूँ उसमें से एक ये जो अभी दिखाई थी और एक दो और थी जो अच्छी लगी थी बट साइज़ नहीं थी और मुझे लेनी नहीं थी तो हमने उधर ही छोड़ दी और हम आगे चले गए। हाँ ये वाली, ये 200 की ये शर्ट इतनी अच्छी थी पर साइज़ ही नहीं थी तो हमने फिर उधर ही छोड़ दी, कोई और होता तो साइज़ वाला तो सही था। ये ऊपर लगी हुई है, इन्होंने सेलेक्ट करके ऊपर रखी है, ये ऊपर वाली भी शर्ट्स अच्छी थी, ये जो ऊपर हैं ये शर्ट्स अच्छी थी बट हमने इधर से कोई नहीं ली, हमारी साइज़ ही नहीं आ रही थी। अभी चलते हैं दूसरी साइड, इधर से मेरा भाई शर्ट देख रहा था तो हम उधर शर्ट देखने लग गए। इधर दूसरे स्टॉल्स हैं सारे, मतलब ये इधर मैं ज़्यादा नहीं खड़ा होगा, मतलब जो नॉर्मल शॉप से मिल जाता है उधर हम इतना टाइम खड़े नहीं होंगे, मतलब जो हमें बाज़ार की चीज़ें चाहिए हम उधर ही रुकेंगे। ये चप्पल थे मतलब, तो ये थे 350 बोल रहा था, बहुत अच्छे चप्पल थे। फिर पता नहीं क्यों फिर इसने बोला नहीं भाई ज़्यादा, जब मैंने पहने तो मेरे को अच्छे लगे तो इसने बोला नहीं भाई 350 नहीं 600। फिर हम आगे आ गए, लिए हमने छोड़ दिया और हम आगे आ गए। इनकी प्राइसेस फिक्स नहीं होती तो ये रेट बढ़ा भी देते हैं, अगर अच्छे लगें तो ये रेट बढ़ा देते हैं। फिर हमने लिए नहीं, हम आगे आ गए।
इधर कुछ चीज़ें हमने देखी, इनकी भी प्राइजेस सही सही थी, मतलब यही मतलब 300-400 की। अभी इनमें से मैंने टेडी बियर देखे थे एक दो जो मुझे अच्छे लगे, मैं आपको इसको सिंगल ही करके दिखाता हूँ। एक ये इसके 300 बोल रहा था, आई थिंक 300 था, ये भी अच्छा था। एक दो मैंने और भी देखे थे सिंगल सिंगल करके, ये दिखाता हूँ आपको। हाँ एक ये और एक अभी छोटा सा हुआ वो दिखाता हूँ। इनकी भी अच्छी प्राइजेस थी और सही थे, बट मुझे लेना नहीं था, तो मैंने उधर ही सिर्फ देखने के लिए आपको दिखाने के लिए सिर्फ बनाई। इधर और भी चीज़ें मतलब जो बंदा ले सके। ये वॉच थी मतलब ऐसे, ये बॉयज़ की वॉचेस, वॉलेट्स वगैरह सब मतलब अच्छी अच्छी ब्रांडेड चीज़ें थी। इधर से मैंने वॉचेस पूछी थी तो ये बोल रहा था कि 3000, ये 3000 की बोल रहा था। ब्रांडेड थी तो मतलब उनकी रेट्स भी सही थे, उनके हिसाब से अच्छी थी शॉप के हिसाब से। तो हमने एक दो और देखी, फिर हमने इनसे पूछा, फिर भाई बहुत महंगी थी, हमने छोड़ दी। फिर हम आ गए आगे, ये भी वही लोंडा का सामान, मतलब इधर जो मतलब सिलेक्टेड चीज़ें होती हैं, मतलब कुछ भी आप देख सकते हैं इसे। ये गर्ल्स की ज्वेलरी वगैरह, ये भी मतलब 100-100 रुपए की, कोई भी लो 100 रुपए की। इधर मैंने देखी नहीं क्योंकि मैं लेडीज़ में कुछ था ही नहीं, मैंने देखा नहीं। मैं इधर आगे ग्लासेस वाली साइड, ये ग्लासेस भी मोस्टली 250 के थे। अगर आप देखें, मैंने अभी इधर से एक दो उठाए थे और 250 के, मतलब मोस्टली ग्लासेस है ना ये फैशनेबल, ये 250 के थे। और जो बाकी हैं आई साइड्स के, उनके तकरीबन 400-500 थे, वो भी अच्छे। ये 250 का था जो अभी मैंने उठाया। और ये जो सारे पड़े हुए हैं ये फैशनेबल, ये 250 के ही थे, ये भी 250 का इसने बताया था। कम भी करवा सकते हैं अगर बार्गेनिंग करने वाले हों तो। ये 250 का था, अच्छे अच्छे ग्लासेस 250 के ही मतलब मिल रहे थे। और ये लोंडा का सामान है, मतलब ग्लासेस कप्स वगैरह इधर अच्छे अच्छे पड़े हुए थे। इधर बाउल वगैरह प्लेटें, ये सारे शूज़ की। और इधर हमने बुक्स देखी तो हमें अच्छी लगी, हमने कहा चलें देखते हैं। ये बुक ही आपको दिखाते हैं इसको अंदर से भी, अच्छी बुक्स थी जो बंदा रीड करे उसके लिए, मतलब ये सस्ती भी थी और अच्छी भी थी ओरिजिनल प्राइस के हिसाब से। और बुक्स भी ओरिजिनल हैं, वो प्रिंट वाली नहीं थी। ये और एडोब की है, एडोब इलस्ट्रेटर आई थिंक ये उसकी है, एडोब एलिमेंट्स। हाँ तो ये उसकी बुक्स है, मतलब इसमें बहुत बहुत नॉलेज की चीज़ें थी, जिसको बंदे को इंटरेस्ट हो फोटोग्राफी वगैरह में, बहुत अच्छी थी उसके लिए। ये लास्ट बुक देखी थी, फिर हम आ गए आगे। ये बच्चों के खिलौने वगैरह थे, इधर भी चीज़ें अच्छी अच्छी पड़ी थी। ये टेडी बियर्स थे, मतलब 600 से मतलब स्टार्ट थे, 600-700 स्टार्ट थे, 250 तक थे, अच्छे अच्छे टेडी बियर्स थे। मैंने एक दो पूछे थे उसके, मतलब बोले थे 300-400। ये सारे बच्चों के सामान है ढूंढा के, मतलब ओरिजिनल जो होते हैं आउट कंट्री के, मतलब इधर वो कचरा बनाकर फेंक देते हैं और हम इधर लेते हैं। ये अब मैं आ गया चप्पलों वाली साइड, इधर शूज चप्पल सब कुछ इधर ही होंगे। ये मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस थी, मतलब अच्छे वाले तकरीबन 400 के और नॉर्मल 200 के दे रहे थे। ये बच्चों के हैं मतलब 200 के, ये लेडीज़ वाला स्टाल है तो इधर सारे बच्चों के थे और लेडीज़ के थे, इतने लड़कों के नहीं थे। अभी हम आपको दिखाते हैं, ये सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं जूतों के, सस्ते सस्ते मिल जाते हैं, मतलब यहाँ अगर आपको अच्छी चॉइस करनी है तो मतलब वो तकरीबन 900-1000 के अच्छे से अच्छे मिल जाएंगे, बाकी अगर नॉर्मल 500 तक मिल जाते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ आगे से,
ये फॉर्मल शूज़ थे, इसमें से मैंने ये उठाया तो इसके 1200 बोला था, अगर कम करवाएंगे तो कम कर देगा। इसने डायरेक्ट ऐसे 1200 बोले थे इनके फॉर्मल, और ये बिल्कुल साफ़ सुथरे थे, कहीं से ख़राब नहीं थे। इसने फ़ौरन 1200 बोले थे, हम इनसे बार्गेनिंग करवा कर 700-800 तक ले सकते हैं, और बाकी जोकर्स वगैरह थे। ये शूज़ मुझे अच्छा लगा, मैंने लेना नहीं था, मैंने आपको दिखाना था, तो ये अच्छे थे। और ये जोगर्स हैं, ये भी इतने यूज़ नहीं, मतलब ये सिर्फ ये भी सही है, इसके 800 बोल रहा था। और ये शूज़ वगैरह थे इनके पास, नॉर्मल जोगर्स वगैरह। अभी इस साइड से आपको दिखाते हैं, ये जो नॉर्मल पड़े हैं इनके मतलब 700-800 बोल रहे थे, कोई भी उठा लो। हमें इधर कोई अच्छा नहीं लगा तो हमने नहीं उठाया इधर से, और हम आ गए आगे। ये स्कूल के शूज़ हैं, ये भी मतलब सस्ते मिल जाते हैं, 400-500। ये शूज़ हैं, ये भी शूज़ अभी खुल रहे थे, ये वाले शूज़ अभी खुल रहे थे, इसने अभी खोले नहीं थे। इनके पास भी अच्छे अच्छे शूज़ पड़े हुए थे, ये देखें, ये 600 का बोल रहा था। ये दूसरे स्टॉल पे आ गए, वो अभी खोल रहे थे, हम आगे आ गए। इनके पास भी अच्छे अच्छे शूज़ पड़े थे, इनके पास भी हमने एक दो देखे थे, वो भी तकरीबन 800-900 के इस तरह ही दे रहे थे। ये था मतलब गर्ल्स का लग रहा था ये तो मुझे, ये भी मतलब इतने 800 बोले थे। और ये वाइट वाला मुझे अच्छा लगा, इसके प्राइसेस ज़्यादा बता रहा था, 1200 बता रहा था, पर शूज़ अच्छा था, मुझे अच्छा लगा, 1200 ज़्यादा बता रहा था, तो हमने उधर छोड़ दिया। बाकी शूज़ नए की तरह बिल्कुल नहीं था। तो फिर हम उधर से आगे आ गए, मुझे सब कुछ आपको दिखाना था, तो मैं एक एक के पास जाकर मैंने देखा इसे, मैंने कहा ताकि आपको सब कुछ पता चले, मतलब यहाँ से कौन सी चीज़ें मिल सकती हैं और कौन सी चीज़ें सस्ती मिलेंगी। ये रेगुलर चप्पल थे, ये भी मतलब 200 के मिल जाते हैं, अगर बार्गेनिंग करवाओ तो मतलब 150 का भी दे देंगे, पर बार्गेनिंग इसके लिए बहुत करनी पड़ेगी। जो बंदा पठान हो वो तो बंदा कर ही लेगा मतलब बार्गेनिंग, जो मतलब सिंधी हो इस तरह का, इनसे ये नहीं करवाते। ये शूज़ है, इसके पास शूज़ अच्छे अच्छे थे, इसके पास मैंने पर्सनली एक एक शूज़ उठा कर देखा और वीडियो बनाई थी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और प्राइजेस भी सही दे रहा था, एक हमें पसंद आया था उसके बोल रहा था 700, मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सा था। ये सारे शूज़ हैं, मैंने कहा था कि आपको सब कुछ दिखाऊँ, ये 1000 का बोल रहा था, ये बिल्कुल साफ था, बिल्कुल न्यू शूज़ था, बट गर्ल्स का था तो हमने नहीं लिया। ये वाला भाई को बहुत पसंद आया था, इसके बोल रहा था 700, ये भी न्यू, बिल्कुल न्यू था। देखें इतनी करीब से दिखा रहा हूँ, मैंने कहा था आपके आपको भी सही से दिखाई दे, ताकि आप लेने आएँ तो आपको भी दिलचस्पी हो मतलब लेने में, जैसे ना अगर आ जाए मेरी वीडियो के देखने के लिए, देखने के बाद तो फिर आप ले ही ना, तो इसलिए मैंने कहा आपको एक एक करके दिखाता हूँ सारे शूज़, देखने मतलब इनकी क्वालिटी वगैरह सब कुछ सही थे, बहुत अच्छे शूज़ थे और बिल्कुल कम प्राइस में, 700-800 के भी दे देंगे अगर बार्गेनिंग आप कर सकें तो। ये शूज़ लास्ट में बहुत पसंद आया था, इसकी 700 बोले थे इसने, उससे कम नहीं कर रहा था भाई, 800 बोले तो 700 तक आ गया, उसके बाद बोलते हैं नहीं भाई इससे कम नहीं होंगे, तो हम उधर से ये देख के फिर हम आगे आ गए। तो मेरा भाई बहुत थक गया था, तो बोला कि आ जाओ बस चलें, अब बहुत हो गया, तो हमने इतना देखा। अभी बाजार और भी है, गर्ल्स की साइड की भी है, बैग्स वगैरह, अगर आपको वो चीज़ें देखनी तो आप कमेंट करें तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो अभी भाई बोला था कि बस अभी मैं बहुत थक गया हूँ, इतनी बहुत है आज के लिए वीडियो, तो फिर मैं हम आ गए बाहर की साइड, इधर लास्ट स्टॉल है वो देखेंगे, हाँ इधर ये लास्ट वाले स्टॉल से इधर लोंडा वगैरह मिलते हैं जो बुक से, और इधर एक दो फ्रेम भी थे वो मुझे अच्छे लगे, ये वाले फ्रेम बिल्कुल साफ थे तो मुझे अच्छे लगे, वो 250 के दे रहा था मतलब 250-350 इस तरह, बहुत अच्छे फ्रेम थे अगर आप एक जैसे देख के लें तो। इस स्टॉल के बाद हम चले गए आगे मोबाइल की एसेसरीज़ की देखने के लिए,
ये लास्ट स्टॉल था, मतलब बायर वाली साइड, लोंडा वाली साइड, तो हमने कहा इसको भी देखते हुए चलें, आपको भी दिखाते हुए चलें इनके पास क्या क्या है। ये ग्लासेस वगैरह थे, ये भी 400-500 के आई साइड के ग्लासेस नॉर्मल। ये अभी मैंने एक दो हैंड फ्रीज देखी थी ताकि आपको भी बता सकूँ, ये 250 की बोल रहा था और ये सही थी, मतलब लग रही थी कुछ चलने वाली, तो मैंने तभी आपको दिखाई, तो ये 250 की बता रहा था। इन अभी मैंने एक दो चीज़ें और भी पूछी थी, ये भी 250-300 की बोला तकरीबन। और इनके पास चार्जर, पावर बैंक, स्पीकर सब कुछ थे, उनमें से मैंने इतना कुछ नहीं पूछा जो आप लें, जो बंदा नॉर्मल ले वो मैंने पूछा। तो स्पीकर भी इतने महंगे नहीं थे, तकरीबन 1000 के थे इतने। और ट्राइपॉड स्टैंड वो मैंने पूछा था 2100 का। बस इतनी थी वीडियो, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मिलते रहें हर वीडियो में।